यस डियर स्टूडेंट बेटा, सम मोर डेफिनेशन अबाउट द पॉलिनोमियल इन दिस वीडियो। यू लुक हियर चैप्टर नंबर सेकेंड, सम मोर डेफिनेशन अबाउट पॉलिनोमियल। फर्स्टली यू सी हियर वेरी फुली कंसंट्रेट हियर, मोनोमियल्स हैविंग वन टर्म, बायनोमियल्स हैविंग टू टर्म, ट्रिनोमियल्स हैविंग थ्री टर्म। ओके बेटा, इट इज एंड इट इज आल्सो जीरो पॉलिनोमियल हैविंग ऑल कोफिशिएंट एट जीरो। हैविंग ऑल कोफिशिएंट एट जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ये मैंने एग्जांपल दिए, देखिए ये एक्स की एक्स वेरिएबल में है और ये वाई वेरिएबल में, जिसके सभी कोफिशिएंट जीरो हो इट इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। तो बेटा इट इज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल और ये इनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल। एंड हेयर यू लुक हेयर कंसर्न वेरी केयरफुली, राइट स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बेटा, पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। मैंने एक ही लिखा है, आपको करके दिखाया, पहले हाईएस्ट पावर 7, फिर 5, फिर 2, फिर 1, फिर 0। 28 का मतलब 28 एक्स की 0, 28 एक्स की 0 और एक्स की 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए 28 इंटू 1 28। पहले सबसे बड़ी पावर 7 5 2 1 एंड 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। उसको मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, घटते क्रम में लिखना, पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर ऐसे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो आपने बेटा इनको अपने आप लिखना है, पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनको तीनों को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इट इज ऑल इन दिस वीडियो, प्लीज यू फुली कंसंट्रेट अबाउट दिस डेफिनेशन एंड सम क्वेश्चन। ओके बेटा, थैंक्स।